Hey, what's up guys, this is Lovjeet Arora. Welcome in the Tech Wing channel. So आज के इस लेक्चर में थंबनेल देख करके आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग कितनी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं. दैट इज़ कि कैसे हम लोग रीनेम कर सकते हैं किसी भी कॉलम को और किसी भी रो. तो बच्चा हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एक रीनेम फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू एक ही फंक्शन के थ्रू दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं. तो चलिए पहले हम जंप करते हैं. यहाँ पर हमारा ऑलरेडी डेटा फ्रेम बना हुआ है, तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो येस दिस इज़ अवर डेटा फ्रेम. तो यहाँ पर आप रीनेम करना चाहते हो. लेट सपोज़ मैं यहाँ पर कॉलम का जो नाम है मैं उसको देना चाहती हूँ स्टूडेंट नेम. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी एफ रीनेम. और अब मैं इस फंक्शन के अंदर कॉलम को चेंज करना है, सो आई नीड टू राइट कॉलम पुराना नाम, कौन सा पुराना नाम था, एंड द न्यू नेम. मतलब एक डिक्शनरी की फॉर्म में आएगा, कीज़ में पुराना नाम होगा एंड वैल्यूज़ के अंदर नया नाम होगा. तो मैं यहाँ पर आई वॉन्ट टू गिव देयर एस नेम, सो दिस आई वॉन्ट टू गिव. नाउ यू रन दिस एंड यू कैन सी हेयर द चेंजेस आर नॉट कमिंग. द रीज़न बिहाइंड दैट कि बच्चा आपको यहाँ पर इन प्लेस is equals to true करना पड़ेगा. ठीक है, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपको चेंज है जो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. जिसका रीज़न मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर मैं ये सेम टू सेम प्रिंट के अंदर करती हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट के अंदर करती हूँ तब मुझे इसमें से ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. लेकिन उसमें रीज़न क्या होगा कि आपका चेंज हो तो जाएगा बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में आपको चेंज नहीं दिखाई देगा. लाइक हाउ हेयर दिस इज़ कमिंग एस नेम एंड हेयर इट इज़ कमिंग नेम. सो इफ़ यू वॉन्ट कि मेरे पास में ओरिजिनल डी एफ के अंदर चेंज आए, सो फॉर दैट हमें इन प्लेस प्रॉपर्टी को ट्रू रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक हमारे पास में हो गया कि भाई कॉलम्स को आप चेंज कैसे कर सकते हो. यहाँ पर देखो इंडिविजुअल कॉलम, किसी भी कॉलम को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर अगर नेम के साथ में अगर मैं क्लास को चेंज करना चाहती हूँ तो पुराना नाम एंड देन आप यहाँ पर नया नाम दे दो. जैसे मैं यहाँ पर सी एल दे रही हूँ नया नाम, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, सो सी एल इज कमिंग. ठीक है, तो आप कितने जितने भी आप कॉलम्स को चेंज करना चाहते हैं दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस. अब यहाँ पर बच्चा एक चीज़ आती है कि भाई अगर मुझे इंडेक्स रो के नाम चेंज करने हैं, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू. तो बच्चा इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है. क्या आप यहाँ पर पहले पुरानी रो का नाम लिखेंगे और फिर जो नया आपने यहाँ पर लिखा है, लेट सपोज आई वॉन्ट हेयर रो वन. ठीक है, बस इतना आपने यहाँ पर करना है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू दैट विल बी फॉर रो एंड कॉलम इज इक्वल्स टू दैट विल बी फॉर कॉलम. सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग. तो आप एक साथ सारा भी कर सकते हैं, चेंज यहाँ पर डाल सकते हैं, जितने मर्जी जिसको मर्जी आप चेंज करना चाहते हैं. तो ये रीनेम फंक्शन है, बड़ा ही प्यारा बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है कि भाई डिक्शनरी की कीज़ होंगी पुराना और डिक्शनरी की वैल्यूज़ होंगी नया. तो अगर इंडेक्स को रो को चेंज करना है तो इंडेक्स दे दो, कॉलम को चेंज करना है तो कॉलम दे दो. अगर एक ही चेंज करना है तो आप कॉलम्स को मत दो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं. आप कॉलम्स को यहाँ पर रहने दीजिए, आप सिर्फ रो को चेंज कर लीजिए. यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कॉलम और रो दोनों के दोनों देने ही पड़ेंगे. तो अगर आप रो दे रहे हैं तो रो चेंज होगा, कॉलम दे रहे हैं तो कॉलम विल बी चेंज. अब अगर मुझे मान लो एक साथ, मतलब एक ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं सबको चेंज कर दूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा भी कर सकती थी डी एफ डॉट एंड इंडेक्स. और यहाँ पर देखिए मैं ए कॉमा बी, एक सेकेंड बच्चा, कॉमा सी. तो देखिए अब मैं एक साथ सबको चेंज करूँ, ठीक है, तो ये इजी रहेगा उस टाइम के लिए कि आपको एक साथ ही सबको चेंज करना. अब देखो अगर मैं इसमें कम दे रही हूँ तो अब मेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई आप कम नहीं दे सकते. ठीक है कि भाई वैल्यूज़ आपके पास में तीन है और आप कॉलम यहाँ पर दो देने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. और वैसे ही अगर मैं डी एफ डॉट कॉलम्स यहाँ पर दूँ और मैं यहाँ पर चेंज करूँ, लेट सपोज कॉल वन, कॉल टू, कॉल थ्री, राइट, और यहाँ पर आप इक्वल्स टू डालें,
ठीक है, तो ऐसे आप एक साथ सबके सब चेंज कर सकते हो। और वो रीनेम वाला कब हेल्प करेगा, जब आपको इंडिविजुअली किसी एक का चेंज करना है, दो का चेंज करना है, चार का चेंज करना है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज कि मुझे सबका चेंज करना है, तो दिस इज़ ईजी, है ना, ये ईजी है आपके लिए। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई हम लोग रीनेम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा रीकैप दिलवा देते हैं आपको पीपीटी के थ्रू भी, ठीक है। रीनेम अ कॉलम और अ रो, हाउ टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ अ रीनेम फंक्शन। सो रीनेम फंक्शन के अंदर यहाँ पर पुराना नाम और यहाँ पर न्यू नेम, ठीक है। अब ये चेंज हुआ नहीं है बिकॉज हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, जो इन प्लेस प्रॉपर्टीज को ट्रू करेंगे। तो मल्टीपल कॉलम्स भी चेंज हो सकते हैं, आप एक साथ कितने कॉलम कितनी रो कैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। सो यू मस्ट हैव टू पुट देयर इन प्लेस ट्रू हियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैंने सारे के सारे जो मेरे रीनेम है, बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स के लिए काम करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इट वर्क्स फॉर इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे अगर इंडेक्स इज इक्वल्स टू कॉलम इज इक्वल्स टू लगाऊंगी तो वो कॉलम्स पर अप्लाई होगा। तो जैसे str डॉट अपर किया तो सारे के सारे कॉलम्स थे वो अपर में आ गए आपके पास में, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव डन। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। तो अब हमारा एक टॉपिक रह गया यहाँ पर जिसके अंदर हम लोग बूलियन इंडेक्सिंग करेंगे। वो हाफ टॉपिक मैंने वैसे आपको फिल्टर के अंदर बता दिया था, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उसके अंदर रह गई हैं, तो लास्ट टॉपिक करेंगे और पैंडा वन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय, बाय दैट टाइम आप लोग शेयर करो दोस्तों के साथ में लेक्चर को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना।